ये देखो भाई, मैं आपको बैटरी चेक करके दिखाऊंगा सारी। ये देखो कितनी बैटरी रखी है मैंने, 2.5 एम्पीयर, 5 LB, 7 LB, 9 LB, और ये मीटर से चेक होती है, इस मीटर से। ठीक है भाई, आप कुछ सेट कैसे करना है मीटर को, ये यहाँ पे घुमाओगे तो 20 पे सेट करना है। और आपको जैसे मिस्त्री बोलता ना कि भाई बैटरी खराब है, पहले मैं आपको 2 एम्पीयर चेक करके दिखाता हूँ, 4 LB चेक करके दिखाता हूँ। ये रेड और ब्लैक का तार है, ये मीटर तार लगाई हमने, और ये देखो हमारी बैटरी ओके रिपोर्ट है, 12.76, यानी कि सेल्फ उठा लेगी बैटरी, ओके। मैं आपको 2 एम्पीयर चेक कराता हूँ, ये वाली चेक कर, जैसे माइनस और प्लस चेक करना। ये देखो, ये भी भाई बैटरी अपनी ठीक है, और मिस्त्री ने हमें बैटरी ख़राब बताई थी। ये दिखा रहा हूँ भाई TZ5, मैं आपको चेक करके, ये माइनस और ये प्लस, और ये मीटर पर देखो ये भी ओके रिपोर्ट है। आपको 2 तार लगाने और मीटर पर अगर जब 12 पॉइंट से ज़्यादा, ये देखो ये बैटरी ख़राब है क्योंकि ये 11.4 आ रही है, तो ये बैटरी अपनी ख़राब है, और इससे पहले जो आ रही है वो 12 वोल्ट जो ऊपर आती है वो बैटरी ओके रिपोर्ट होती है। अब 9 LB दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये 6 पॉइंट कुछ दिखा रही है, तो ये बैटरी भी ख़राब है। ये देख रही है भाई, ये बैटरी अपनी ख़राब है। अब इसके बाद आपको बैटरी चेक करने के लिए 12 वोल्टेज का मीटर चाहिए, ये देखो भाई 3.6 है, तो ये भी बैटरी ख़राब है। तो आपको जब भी अपनी बैटरी चेक करनी है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एक ये मीटर ख़रीदना है, 100-150 मिल जाता है, और ये 20 वोल्ट पर चेक करने के लिए बैटरी होती है, और ये 2 वायर लगे होते हैं प्लस और माइनस, और ऐसे ही बैटरी के ऊपर लिखा होता है प्लस और माइनस। देखो आप देख भी पा रहे हो, तो ये प्लस लिखा और ये भाई माइनस लिखा, तो रेड तार आपको प्लस में लगानी है और माइनस में ब्लैक वायर लगानी है। तो ये वाली अपनी बैटरी देख रहे हो सारी, तो किस तरीके से चेक करनी है आपको समझ में आ गया होगा।